हेलो स्टूडेंट्स, आई विश इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी, और जो एनडीए बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 17 नवंबर को, उनका प्रिपरेशन आई थिंक पूरे फुल स्विंग में चल रहा होगा। अब क्या है कि आपके एग्जामिनेशंस काफ़ी पास आ गए हैं, तो मैं कुछ आपको कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ हिस्ट्री में, जो अगर आप उसको लास्ट टाइम में भी देख लेते हैं और इट विल टेक अराउंड मोर देन 1.5 और 2 आवर्स, इतने में भी अगर आप उसको कवर अप कर लेते हो, तो जो आपका हिस्ट्री सेक्शन है जो कि आपका जीएटी में ऑलमोस्ट 20% का वेटेज कैरी करता है, उसमें आप काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। अब जैसे कि हिस्ट्री में क्या है कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पूरे के पूरे हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है। अब उसको भी किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप लोग की रेगुलर क्लासेस होती है तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि पहले आप गवर्नर जनरल को स्टडी करिए, उनके जितने ईयर हैं, उनके जितने टेन्योर हैं, उन सबको स्टडी करते चलिए। उसके बाद फिर क्या है कि जो कुछ एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हो गए, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं जिसे हमें लास्ट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंटली एक बार देख लेना चाहिए, या फिर क्या है कि उनके टेन्योर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें आपको नोटिस कर लेनी है या फिर नोट कर लेनी है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स क्यों पढ़ने हैं हमें, देखो हुआ क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी गवर्नर जनरल है, फॉर इंस्टेंस लॉर्ड कानिंग को ले लो, 56 से ऑलमोस्ट 62 के बीच में रहते हैं। अब इनके बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, उसके बाद फिर आप चाहे डफरन ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर चाहे कर्जन है, जो जितने भी गवर्नर जनरल्स या फिर सॉरी जो वॉइस रॉय आते चले गए हैं। तो वॉइस रॉयज़ इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि वॉइस रॉय ही कल के दिन क्या करेंगे, उनके ही टेन्योर में हर इंसिडेंट या हर मॉडर्न इंडियन मूवमेंट चालू होगा या फिर क्लोज होगा, या फिर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, या फिर उनका क्रिटिसाइज किया जाएगा, या फिर क्या है कोई ना कोई एक लीडर पक्का किसी न किसी एक वॉइस रॉय से वो इंटरलेटेड होगा। इसलिए क्या है कि वॉइस रॉय काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं 56 के बाद, और 56 से पहले के जितने हैं सारे के सारे आपको गवर्नर जनरल्स नहीं पढ़ने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारे के सारे गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉय नहीं पढ़ने हैं, हमें वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल्स वही स्टडी करने हैं जिनका रेपुटेशन पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंटली एनडीए में होता रहा है। ये वीडियो भी सिर्फ एनडीए वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो कौन से वॉइस रॉय हैं, कौन से गवर्नर जनरल हैं, उनका किनका रेपुटेशन बार बार होता रहा है, तो उनको हम देख लेते हैं, और इस वीडियो में सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट वॉइस रॉय को ही देखेंगे। अब इसमें वॉइस रॉय सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, मैंने ये कुछ एक लिस्ट प्रिपेयर की है जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे है, आप फर्स्ट सेकेंड इस पे ज़रूरी नहीं कि एक के बाद एक दूसरे का ईयर टैली भी करता हो, ये बस प्रायोरिटी बेसिस पे कि किसे आपको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, उसके बाद किसको बाद में पढ़ना है। अगर हम 1905 तक देखें, 1856 से 1905 के बीच में ऑलमोस्ट ढेर सारे गवर्नर जनरल हैं, मगर इम्पॉर्टेंट जिन्हें हमें स्टडी करना है सबसे पहले कौन सा है, सॉरी मैं गवर्नर जनरल कह रहा हूँ, ये वॉइस रॉय। तो सबसे पहले जो ये वॉइस रॉय हैं कौन से आपके, लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। अब ये कैनिंग कौन, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि आपके जो 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उस समय भी थे, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कमीशन्स भी बने हैं, ठीक है, आईपीसी बना है, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। उसके बाद फिर आते हैं आपको लॉर्ड लिटन को स्टडी करना है आपको, ठीक। लॉर्ड लिटन के बाद हमें क्या करना है, लॉर्ड रिपन को। ये रिपन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ये फादर भी माने जाते हैं, आपका पंचायती राज हो गया या फिर अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि लॉर्ड रिपन इंडियन जो पीपल थी या फिर जो इंडियन जो लोग थे उनके टूवर्ड्स इनका जो जो रिलेशन था वो क्या था कि काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी, मतलब काफ़ी सिंपैथी रखते थे वो इंडियन से। उसके बाद फिर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का टेन्योर काफ़ी लंबा देखने को आपको लगेगा, ऑलमोस्ट 1899 से 1905 तक इनका टेन्योर है। इनके टेन्योर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसलिए क्या करना है आपको, इनको स्टडी करना है, ठीक। उसके बाद फिर आते हैं आपके लॉर्ड डफरिन। डफरिन क्यों, क्योंकि इनका टेन्योर काफ़ी शॉर्ट रहा है, बट INC बना है और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। तो ये सब क्या है कि कुछ एक इंपॉर्टेंट हैं, ये टिल 1905 तक के ये कुछ एक वॉइस रॉय हैं जिनको आपको इस तरीके से स्टडी करना है। पहले आप इनको स्टडी करेंगे, उसके बाद इनको, इनको, और सबसे लास्ट में आप लॉर्ड डफरिन को। लॉर्ड डफरिन को लास्ट में क्यों, जबकि इनका टेन्योर तो पहले आता है, तो डफरिन को लास्ट में इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनके टेन्योर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हुई हैं एक्सेप्ट 1-2 इंसिडेंट, और बाकी के टेन्योर में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं या फिर कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो बेस होती है, जो नींव होती है, वो रखी गई थी। इसलिए क्या करना है, इन वॉइस रॉयस को पहले स्टडी करना है और डफरिन को बाद में करना है। अब 1905 तक के जो वॉइस रॉयस हैं वो तो ये सारे हैं, अब इनके बाद कौन कौन से वॉइस रॉय हैं, तो फिर आगे हम देखते हैं कौन कौन से वॉइस रॉयस इनके बाद आएंगे।
1905 के बाद जो कुछ हमारे एक इम्पॉर्टेंट जो वॉइस रॉय आते हैं वो कौन कौन से आप देखो, इसमें क्या है कि सारे के सारे जितने भी वॉइस रॉय हैं सारे के सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक। मगर क्या है कि 1905 से 1910 के बीच आप देखोगे कि पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, उसके बाद फिर क्या है कि आपका मुस्लिम लीग बन जा रहा है, हिंदू महासभा बन रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होते हैं स्वदेशी, सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके बीच में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या है कि इसके बाद के जितने भी वॉइस रॉय हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मगर सब उनमें से भी सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट हैं, तो लॉर्ड मिंटो। मिंटो के बाद देखो इसमें क्या है कि सारे के सारे सीक्वेंस में हैं एक्सेप्ट एक दो को छोड़ दिया जाए तो। पहले आप क्या करोगे, पहले मिंटो कवर करोगे, मिंटो के बाद फिर क्या है कि लॉर्ड हार्डिंग को पढ़ लेना, हार्डिंग के बाद फिर इरविन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हार्डिंग छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट इरविन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज मिंटो, उसके बाद फिर लॉर्ड इरविन, उसके बाद विलिंग डॉन पे ज़्यादा फोकस नहीं करने की ज़रूरत है, हाँ बट एक बार आपको पढ़ना है। उसके बाद ये लेनिंग दो है, उसके बाद फिर वेवल, क्योंकि वेवल प्लान इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे लेनिंग दो के बाद वेवल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब फोकस हमें ज़्यादा किस पे करना है, एक तो पहली चीज़ है लॉर्ड मिंटो, ठीक। लॉर्ड मिंटो के बाद फिर इरविन, इरविन के बाद फिर क्या है हमें विलिंग दो, ठीक है, और लास्ट में फिर क्या आपका वेवल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी वॉइस रॉय हैं उसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आपके जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। अब इस तरीके से आपको पढ़ना है कि ये तो सारे के सारे वॉइस रॉय हैं, मगर इस वॉइस रॉय में से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। अब जैसे मान लो कि लॉर्ड डेनिंग दो को ले लो, ये हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गए इसमें, सॉरी ये जो आपके विलिंग दो हैं, विलिंग डॉन, इनमें क्या है कि मैक्सिमम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो जाते हैं, इन्हीं में हो जाते हैं, और इसमें एक में गांधी जाते हैं एक में नहीं जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। या फिर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय वॉइस रॉय कौन था, ये सारे क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुके हैं। उसके बाद फिर लॉर्ड इरविन, इरविन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल रहे हैं भगत सिंह को लेकर के, उसके बाद फिर गांधी इरविन की मीटिंग भी होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब आपको इनकी प्रायोरिटी या फिर जितने भी वॉइस रॉय हैं आपको जब इसको फिगर आउट करना है कि विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ये देखो कि ज़्यादा जो इंसिडेंट हुए हैं या फिर ज़्यादा जो हैपनिंग्स हुई हैं नेशनल मूवमेंट में तो वो किसके टाइम हुई हैं, या सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है। तो आप देखोगे कि हाँ 1919 का जो टाइम पीरियड है वो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो जाता है, उसके बाद फिर 1920-21 से लेकर के आपका खिलाफत मूवमेंट, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस समय का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि 26 से स्टार्ट करो साइमन कमीशन से, उसके बाद फिर क्या है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर 39 से लेकर के 44 का टाइम पीरियड, और 44 के बाद से तो सारी चीज़ें क्या हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस बेसिस पे, इस प्रायोरिटी बेसिस पे आप स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या है कि अब ये मत देखना कि ये कहाँ से आए कहाँ से गए, हाँ इनका टाइम पीरियड ये था, या फिर इनके कुछ एक सिनोनिम हो सकते हैं या कुछ और नाम हो सकता है। अब यहाँ ये पढ़ना किससे, अगर जो बच्चे क्लास में आते हैं उनको मैं शीट दे दूंगा, दे विल बी प्रोवाइडेड विद शीट, बट जो बच्चे ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं वो कहाँ से वेयर करेंगे, वो क्या कर सकते हैं कि वो लूसेंट की बुक ले सकते हैं, उसमें बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको बहुत ही कंसाइज तरीके से दिया हुआ है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, वहाँ से इसको पढ़ सकते हो, बहुत जल्दी ही कवर कर सकते हो, बहुत ही जल्दी टाइम में कवर कर सकते हो। अगर अच्छे नंबर स्कोर करना है तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करके अपने सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को कवर करके पढ़ना ही पड़ेगा। अननेसेसरी ही कोई भी बुक उठा करके पढ़ने मत लग जाओ गधों की तरह। आप क्या करेंगे कि एक टॉपिक चूज़ करिए। अब देखिए कि पास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आए हैं, किस किस से आए हैं, कौन कौन सा टॉपिक है। तो पिछले 5-10 सालों में जितने भी वॉइस रॉय इंपॉर्टेंट है आफ्टर 1857 से लेकर के 56 से लेकर के 1947 तक, उनके बारे में क्या है कि मैंने आपको बता दिया है। आप इसको किससे कवर करोगे, आपके पास जो चीज़ भी हो सकती है, बट प्लीज़ डोंट रेफर पाथफाइंडर, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्चुअल एरर्स हैं, ठीक है, कभी डेट कभी टाइम, वो चीज़ें उसमें एरर हैं। तो आप कंसिडर करोगे लूसेंट, या फिर जो बच्चे क्लास में आते हैं उनको शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं सब को आप कवर करते चलेंगे, और ये क्या है कि आपके नंबर्स को इंक्रीज करेगा, एनहेंस करेगा। आपने ऑल दो ठीक है पढ़ लिया होगा, 17 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, मगर उसके बाद भी और नंबर अच्छे स्कोर करने हैं, तो इस प्रायोरिटी बेसिस पे आप क्या करोगे कि अपनी रीडिंग को प्रेफरेंस दोगे। और बाकी चीज़ें क्या हैं कि अगली जो भी वीडियोज़ आएंगी उसमें हम क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय हैं उन वॉइस रॉय को हम कवर करते चलेंगे कि इनके टाइम में ये सारी चीज़ें हुई थी, जैसे मान लो कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम में क्या हुआ, तो काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी कंसाइज तरीके से उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे लास्ट टाइम आप उसको ईजिली रिवाइज कर सकें या ईजिली रिकॉल कर सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि वो लॉर्ड कैनिंग से लेकर के बाकी जितने भी वॉइस रॉयज हैं उनको डिस्कस करते चलेंगे। ओके, बाय।